केजीएफ टू का राखी भाई बनने निकला था सागर का सीरियल किलर और ऐसे आया पुलिस के शिकंजे में। क्राइम की कहानी में आज किस्सा एक ऐसे सीरियल किलर का है जिसने अब तक कितने कत्ल किए किसी को कोई अंदाजा नहीं। उसका अंदाजा तो अभी तक पुलिस को भी नहीं। ये वो कातिल है जिसने मध्य प्रदेश के सागर जिले में दहशत फैला रखी थी, उसके निशाने पर चौकीदार हुआ करते थे। यूं भी कहा जा सकता है कि नींद का सीरियल किलर था वो, जो अब कानून के शिकंजे में है। सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस कहानी को वारदात में दिखाने के 24 घंटे के भीतर ही वो पुलिस के शिकंजे में आ गया था। अलबत्ता यह जरूर है कि चार हत्याओं की बात अभी तक खुद कातिल ने कबूल भी किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है कि उस कातिल का पकड़ा जाना, उसके आखिरी कत्ल के पहले अब तक जब उसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई और पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक जो तस्वीर अब तक तस्तीस में जो कुछ बातें सामने आई उनमें कत्ल एक जैसा पैटर्न तो था ही। ये साफ हुआ कि कातिल के शारे कत्ल कोई लूटपाट के इरादे से नहीं कर रहा है, क्योंकि मौका ए वारदात पर पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। एक आध मामलों में मकतूल के मोबाइल के गायब होने के बाद जरूर सामने आई है, लेकिन वो भी कत्ल का मोटिव नहीं लग रहा था। तब सीसीटीवी फुटेज और दूसरी जानकारियों की बदौलत पुलिस ने उस संदिग्ध सीरियल किलर का स्केच बनवाया, जिसे आधार बनाकर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो कब पकड़ा जाएगा या नहीं, फिर कहीं पकड़े जाने से पहले ये वो किसी और की जान तो नहीं ले लेगा। ये वजह है कि पुलिस ने अपने महकमे और मुखबिरों को अलर्ट करने के साथ साथ पूरे सागर में जन जागरण अभियान की शुरुआत भी कर दी, ताकि कातिल के बारे में कोई सुराग मिलने पर वो फौरन पुलिस तक पहुंचे और उसे पकड़ा जा सके। असल में 29 अगस्त की रात आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के कैंटीन में चौकीदार शंभू करण शर्मा की लाश के पास ही पुलिस को एक मोबाइल फोन भी पड़ा हुआ मिला था, जिसे देखकर पुलिस को लगा कि शायद ये मोबाइल फोन मकतूल चौकीदार शंभू शरण का ही होगा।
मगर पुलिस तब हैरान रह गई जब उसे पता चला कि ये मोबाइल उसका नहीं बल्कि उससे एक रोज पहले मारे गए चौकीदार कल्याण लोधी का है, जिसका कैंट थाना इलाके के भैंस गांव में कत्ल किया गया था। यानी एक बात तो साफ हो गई कि इस कत्ल की वारदात के पीछे किसी एक ही कातिल का हाथ था, जिससे एक मकतूल का मोबाइल फोन चुरा और उसे अपना शिकार बनने दूसरे चौकीदार की लाश के पास फेंक कर चला गया था। अब तक की तस्वीर की ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि इन सभी के कत्ल का कोई खास मोटिव नहीं है, यानी कत्ल की ना तो मरने वाले चौकीदारों से किसी की दुश्मनी बात समझ में आती और ना ही कत्ल के पीछे लूटपाट या किसी फायदे का मकसद ही समझ में आता। ऐसी बहुत गुंजाइश की इस बात की थी कि हो ना हो कोई कातिल कोई मानसिक रोगी यानी साइकोपैथ जो रात के अंधेरे में एक ही तरीके से चौकीदारों का कत्ल कर खुश हो रहा है। इस सीरियल किलर की पहेली को सुलझाना सागर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। आखिरी कत्ल के चूंकि सागर पुलिस हरकत में आ चुकी थी, लिहाजा 31 अगस्त की सुबह से प्रसाद सागर से भोपाल चला गया पुलिस को चकमा देने के लिए, मगर उसने गलती की। 29 अगस्त को जिस चौकीदार शंभु शरण को उसने हत्या की थी, उस शंभु का मोबाइल वो अपने साथ ले गया। हालांकि मोबाइल का सिम निकाल कर वो फेंक चुका था, उसे अंदाजा ही नहीं था कि उस मोबाइल में कोई भी सिम डालकर उसे चालू करने पर उसका लोकेशन पता चल सकता है। भोपाल पहुंचने के बाद उसने शंभू के मोबाइल में नई सिम डाली। शाम को उसने जैसे ही फोन ऑन किया, सागर पुलिस को शंभू के मोबाइल का लोकेशन पता चल गया। दरअसल शंभू के कत्ल के बाद पुलिस उसके मोबाइल को सर्विलांस पर रख चुकी थी। सीरियल किलर का लोकेशन भोपाल में पता चलते ही सागर पुलिस की एक टीम फौरन भोपाल रवाना होती है, लेकिन भोपाल में फोन का लोकेशन लगातार बदल रहा था और उधर पुलिस भी देर रात तक भोपाल पहुंच चुकी थी। इसी दौरान शिव प्रसाद को एक और कत्ल करने का मौका मिल गया। इसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। भोपाल में चौथे और आखिरी कत्ल के बाद शिव प्रसाद बेखबर बस स्टैंड की तरफ बढ़ ही रहा था कि मोबाइल के लोकेशन और फिर उसके स्केच और होलियों को देखते हुए सागर पुलिस को यकीन हो गया कि यही सागर का सीरियल किलर है। पुलिस ने फौरन उसे दबोच लिया। आनन फानन में उसे गाड़ी में बिठाया गया। सूरज निकलने से पहले ही पुलिस की टीम उसे अपने साथ लेकर सागर की तरफ चल पड़ी। सफर लंबा था, कहानी अधूरी, लिहाजा पुलिस ने रास्ते में ही शिव प्रसाद से पूछताछ शुरू कर दी। जब शिव प्रसाद ने पूरी कहानी सुनाई तो सागर पुलिस भी चौंक उठी। पूरी कहानी तो कुछ यूं है कि जी अब कराई की भाई बनने के लिए शिव प्रसाद ने शुरुआती काम तो कर लिया, 5 दिनों में 4 खोज करने के बाद वो मीडिया की सुर्खियों में था। पुलिस हैरान और परेशान, लेकिन असली कहानी अब इसके आगे शुरू होने जा रही थी। यहां से अब शिव प्रसाद चौकीदारों को नहीं बल्कि सीधे पुलिस वालों को ही मारने की प्लानिंग बना चुका था। बस इसके लिए पैसों की जरूरत थी ताकि वो हथियार खरीद सके। चौकीदारों के मारने के लिए उसने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसे जो मौके पर मिल जाता उसी को वो हथियार बना लेता था। उस पूछताछ में बताया कि एक बार बंदूक हाथ आने के बाद ठीक चौकीदारों की तरह ही वो सिलसिलेवार पुलिस वालों के विमान की गांठ उठाता, इससे उसका बड़ा नाम हो जाता, ठीक रॉकी भाई की तरह। फिलहाल से प्रसाद पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस उसे पूछताछ कर रही। पुलिस की माने तो वो मानसिक रूप से पूरी तरह फिट है, बस ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ नाम कमाने के लिए किया है। हालांकि खबर ये भी है उसने पुणे में भी कत्ल किया है, गोवा की उसकी रिपोर्ट भी कंगाली जा रही है। पुलिस का शक है उसके हाथों मारे जाने वालों की गिनती बढ़ भी सकती है। और आज की इस कहानी में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप देखते रहें देश का तेजी से बढ़ता ATV News चैनल।